हमारे वो एक ऐतिहासिक सीट ज्ञानपुर हमने 2017 में जीती थी, पुनः हमने वहाँ हमारा पुराने कार्यकर्ता 2 साल से जो हमारे साथ चल रहे थे वहाँ माननीय विपुल दुबे जी जीते हैं भोजन भरी थाली से और 5 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हैं, उनको हमने आपके बीच में आज वो हमारे पार्टी के निषाद पार्टी के वो 11 विधायक एक बल हैं, एक शक्ति हैं और जो हमारे जो 5 हार गए वो बहुत कम मतों से हारे हैं, 2 से 3 हजार, उन्हें भी हम जीता ही मानते हैं क्योंकि हमने 9 सीटें जो है 2017 में भारतीय जनता पार्टी वहाँ लूज हो गई थी। हम चुनाव नहीं चुनौती स्वीकार करते हैं, तो ऊपर करके कर लो ना, क्यों परेशान है, 6 जीत कर दिखाया हूँ जिस तरीके से राम निषाद राज जी को गले लगाए थे उसी तरीके से मोदी और योगी जी ने भारतीय जनता पार्टी ने हमें उसी राम राज की स्थापना के लिए और जो पिछली सरकारें रावण राज का प्रयोग करके जनता को दुख दे रही थी उन्हें हटाने के लिए, उन्हें पुनः रोकने के लिए जिस तरीके से उन्होंने प्यार और स्नेह भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मैं आज प्रेस मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों के लिए, तो फिर बस जो एक अफवाह था कि भारतीय जनता पार्टी जिसे लाती है उसे बढ़ाने नहीं बढ़ने नहीं देती है या उसे सहयोग नहीं करती, लेकिन मित्रता का जो मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, ने भी आज भारतीय जनता पार्टी को कुछ वोट दिया है और इन्हें जिताया है और सारी जातियां जो उपेक्षित हुई थी तो जाति का जो उत्तर प्रदेश में मकर जाल था उसे तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी और अपना दल के जो संयुक्त प्रत्याशियों को जो जिताया है, एनडीए की सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार दिया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी एक सोच है कि पॉलिटिकल पार्टनर वोटर होना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है और उसको धरातल पर माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस नीति को लागू करके जो देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब भूखों मर रहा था, पहले वो अनाज जो है वो अन्न जो कल्याणकारी योजना था उससे गरीब भी खुश था अमीर भी खुश था, क्योंकि गरीबी के प्रति सभी लोग संवेदनशील हैं तो अमीर हो, बीमारी के प्रति जो तड़पता हुआ देखता हो अमीर भी जो है संवेदनशील होता है। तो मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि पहले वो खाना पूर्ति होता था हमारे पास, जो हमने जो काम किया आने के लिए तो बहुत लोग आए, बड़े बड़े लोग माफिया लोग आए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का संदेश था कि डॉक्टर साहब इस बार हमारे सहयोग से आपके सहयोग से ऐसे लोगों को टिकट दिए जाए जो अच्छी छवि के हो और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद हो और जनता में उनकी छवि अच्छी उनको दिया जाए। लगभग मैंने सारे प्रत्याशियों को अच्छी छवि के लोगों को मैंने टिकट दिया और पहली बार हमने विजय प्राप्त कराने के लिए मैंने हमें मिला। मैं किनारे से बता दूं, धन्यवाद दूंगा पहले कि कहा गया कि सोनभद्र में जो प्रत्याशी थे उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने तन मन धन से और शीर्ष नेतृत्व मोदी जी को भी विशेष बधाई, अमित शाह जी को, नड्डा साहब को, धर्मेंद्र प्रधान जी को और माननीय योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री और उनके जितने स्टार प्रचारक थे उन्होंने भी निषाद पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भरपूर समय दिया, सहयोग दिया, भाषण दिया। सुनील बंसल जी को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन किया, जो जो कठिनाइयां आती थी कहीं संगठन में उसे उन्होंने जोड़ के उन्हें फिर से मजबूत करके हमें सहयोग दिया और आज पहली बार है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था, तब का परिदृश्य आपके प्रदेश में बहुत अंतर है, तब मैं 1 सीट जीता था, अब 1 के बगल में 1 हो गया, मैं 11 सीट जीतकर आपके बीच में आया और जो है उस 11
वो मेरा एक संबल है और एक सिंबल है और एक पहचान दिया है जिसमें आप मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग रहा है। मैं गरीब घर का बेटा बिना किसी साधन संसाधन के आप लोगों ने जो हमें प्यार और स्नेह दिया और जो स्थान दिया मीडिया ने पूरे दुनिया में, हम दुनिया के इसलिए कि हम पूरे दुनिया के जो हमारे लोग दोस्त थे वो लोग धन्यवाद देते थे 12 बजे रात के बाद, माथुर की रात में दिन होता है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बधाई का दिन है, शुभकामनाओं का दिन है।